द्वंद्व था वो सिल्वर के लिए था, लेकिन अब फाइनल स्कोर देखकर, टोटल देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं विंध्या गोल्ड पर भी निशाना साध सकती थी। सेकेंड अटेम्प्ट में 84 किलो, अगर आपने पहले मिस किया हो तो। स्नैच में जिस तरह की चुनौती उनको मिल रही थी, खासतौर पर फ्रेयर मोरो से, लग रहा था कि मुकाबला कड़ा होगा और कड़ा हुआ भी। बिल्कुल आखिरी लिफ्ट में, जो आप बाद में देखेंगे क्लीन एंड जर्क में, वहां जाकर इनका सिल्वर मेडल पक्का हुआ। कोशिश की थी क्लीन एंड जर्क में 110 पर विद्या ने, जब 110 लिफ्ट किया तो ऐसा लगा ही नहीं कि किसी तरह का कोई परिश्रम इनको करना पड़ा हो। पहले ही अटेम्प्ट के साथ, पहली ही लिफ्ट के साथ विंध्या ने अपना मेडल कंफर्म कर लिया था। दूसरी लिफ्ट थी 114 की और यहां उनको मन माफिक कामयाबी नहीं मिली थी। यहां लड़खड़ाते रहे, शरीर मोशन में रहा और वो जानती थी ग्रीन लाइट्स नहीं आने वाली है। उसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की होगी। 114 का ही अगर वो तीसरा लिफ्ट कर लेती तो उनको सिल्वर मिल जाता, लेकिन 114 पर नाकामयाब होने के बाद तीसरा लिफ्ट उन्होंने 116 करने का सोचा और हम सब हैरान थे कि 114 ही आपको सिल्वर दिलवा सकता है तो 116 पर क्यों आना। लेकिन विंध्या कुछ और इरादे लेकर आई थी। 116 गेम्स रिकॉर्ड है, सबसे बेहतर लिफ्ट क्लीन एंड जर्क में, और ये नेशनल रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में विंध्या ने। तीसरा लिफ्ट कामयाब और पदक का रंग कर सकती थी। भारत की विंध्या रानी देवी, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है महिलाओं की 55 केजी कैटेगरी में। विंध्या रानी रजत पदक के साथ